गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर नैतिक शिक्षा बुक पृष्ठ 12, पाठ का नाम है खेलना। आपको पता है खेलना बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए। हमें शाम को जब छाया हो जाती है तो बाहर खेलने ज़रूर जाना चाहिए, और सर्दियों में तो हम धूप में भी खेल सकते हैं, बट गर्मियों में हमें शाम को बाहर खेलने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सेहत ठीक रहती है। अब देखो, इसमें आपको कुछ खेलों के बारे में बताया हुआ है, और ये खेल आपको ज़रूर खेलने चाहिए। देखो ये क्या है, फुटबॉल। बच्चे ग्राउंड में जाके फुटबॉल खेल सकते हैं, उससे आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी और उससे आपको बिल्कुल भी कोई भी बीमारी नहीं छुएगी। और ये क्या है, क्रिकेट। देखो बच्चे खेल रहे हैं ना क्रिकेट। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे स्कूल में भी क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड है ना, आप देखते हो ना, और आप खेलते भी हो पीटी पीरियड में, सर आपको खेल खिलवाते हैं ये वाला, तो क्रिकेट भी हमें खेलना चाहिए। और उसके बाद है ये बैडमिंटन। ये इंडोर गेम भी होती है, जब हवा चल रही होती है तो हम इसको अंदर रूम में भी इस गेम को खेला जा सकता है, और हमारे स्कूल में भी इसका ग्राउंड में भी है इसका, और अंदर लेज़र सेंटर में भी हम बैडमिंटन खेलते हैं। और उसके बाद ये देखो, ये बच्चा दौड़ लगा रहा है। दौड़ लगाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मॉर्निंग में आपको ज़रूर सैर करनी चाहिए, तेज़ तेज़ दौड़ना भी चाहिए। उसके बाद ये है कबड्डी। देखो बच्चे खेल रहे हैं कबड्डी। और ये क्या है, हॉकी। हॉकी खेलना भी बहुत अच्छी बात होती है। आपको ये सब खेल शाम को ज़रूर खेलने चाहिए, और स्कूल में तो आप पीटी पीरियड में ये सारे खेल खेलते हैं। अब मेरे साथ बोलो, ये क्या है, फुटबॉल। ये हमें खेलना चाहिए शाम को ज़रूर। और ये क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट ग्राउंड में ही खेला जाता है। बैडमिंटन, और ये रेस लगाना, दौड़ लगाना, इससे हमें पसीना भी आता है और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहती। कबड्डी और ये हॉकी। आप सब इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, पिक्चर्स अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ये सारी गेम्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमें खेलनी चाहिए, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं और हमें बीमार नहीं होने देती। धन्यवाद।